लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने का दौर जारी है। इस बार विवादित बयान दिया है एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने। रतलाम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने मोदी की तुलना शनि से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही देश से शनि ग्रह उतरने वाला है। विक्रांत हमारे बीच में है, तेरे शनि महाराज निकल गए, तेरे पैर में आग चोट लग गई, तेरे शनि महाराज गए, हम सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे विधायक जी का भी पैर में चोट लग गई थी चुनाव में, उनके भी शनि उतर गए और देश में से शनि भी उतरने वाले नरेंद्र मोदी जल्दी। दिग्विजय के इस बयान पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाकर दिग्विजय सिंह को लपेटे में लिया। पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए बोल गया कि वो नालायक हैं, शनि देव हैं, किस प्रकार की भाषा का यूज होने लगा राजनीति? जब काल मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मर्यादाएं भूल गए हैं, लोकतंत्र शिष्टाचार और शालीनता भूल गए हैं और इसलिए जनता इनको जवाब देगी। भोपाल में भी ये कहीं के नहीं रहेंगे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 21 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि 8 सीटों पर आखिरी चरण में 19 मई को वोटिंग होने वाली है। लेकिन आखिरी चरण से पहले एक बार फिर राज्य में विवादित बयानों का दौर शुरू हो गया है। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट।